कोखराज इलाके के भरवारी कस्बे में आज सुबह लगभग 11:30 बजे एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके की आवाज लोगों को सुनाई दी। जैसे ही यह धमाका हुआ, कुछ ही देर बाद यह धमाका पूरे कस्बे सहित आसपास के गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। मौके पर स्थानीय लोग पहुंच गए और इसके अलावा पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी पहुंचे। अभी तक 4 लोगों के मरने की उम्मीद है और ये वही स्थान है, ये पटाखा फैक्ट्री है जहां पर आप देख सकते हैं कि दमकल विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, ये सभी लोग आए हैं, जुटे हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आम जनमानस भी है जो दूर दूर बैठ कर खेतों में तमाशबीन है। हालांकि ये रिहायशी इलाके से काफ़ी दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये पटाखा फैक्ट्री है और धमाका है, धमाके के बाद जिन लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं, इसमें आसपास के लोगों की भारी संख्या है। जिले के पुलिस अधिकारी आ चुके हैं और आपको मैं ये भी बता दूं कि कोरोना काल में वर्ष 2020 में इसी भरवारी कस्बे में, यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर मेन भरवारी कस्बे में भी इसी तरीके का ब्लास्ट हुआ था। सुबह ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी 3 लोगों की मरने की जानकारी हुई थी, 3 लोग मरे थे। और यहाँ पर जिले के पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, हम उनसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे कि किस तरीके का अपडेट है और कितने लोगों की मौत हुई है। सर देखिए, अभी तक इसमें अंदर 10 से 15 लोगों के होने की बात बता रहे थे और 4 लोगों की डेथ हो गई है, 7 लोग घायल हैं जिन्हें हम लोगों ने हॉस्पिटल में भिजवाया है। बाकी हमारा रेस्क्यू चल रहा है, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, वो बुझा रही हैं। और अभी जब थोड़ी देर में हम इसे पूरा सर्च करके देख लेते हैं कि अंदर और तो कोई नहीं फंसा हुआ है, तो हम आपको अपडेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये चूँकि रिहायशी इलाके से काफ़ी बाहर खेतों में बना हुआ था ये गोदाम, इसलिए इस वो जो घायल हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है वो इसी के अंदर जो काम करने वाले वही वर्कर थे। तो अभी सारे लोगों के नाम पता मिल जाएंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। सर, सराफत अली नाम है यहाँ पे, जैसे बताया जा रहा है यहाँ के जो ऑनर हैं, तो क्या उन्होंने इसके पहले लाइसेंस या कुछ सुरक्षा के कुछ इंतजाम थे, ऐसा कुछ पता चला अभी तक? देखिए, ये उनके पास लाइसेंस था, ये बात सही है, इसकी चेकिंग भी होती रही है और जैसा स्थानीय अधिकारी हमारे बता रहे हैं कि सुरक्षा का काफ़ी अच्छा मानक ये रखते थे, लेकिन उसके बावजूद ये किस कारण से हुआ ये देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी ने लाइटर जलाया हो, किसी ने चोरी छिपे बीड़ी सिगरेट पीने की कोशिश करी हो या अन्य कोई कारण होगा। अंदर एक जनरेटर भी है, तो वो आग लगने के कारणों का पता लगा करके फिर हम आपको अपडेट करते हैं। जी हाँ, ये ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम इनके यहाँ बिल्कुल थे, लेकिन किस तरीके से ये धमाका हुआ, क्या कारण रहा है धमाके का, इस धमाके की जाँच तो अभी होगी और धमाके के जांच के बाद जो भी आरोपी अगर हुआ, जो भी कोई जिन्होंने गड़बड़ी की है, तो उन लोगों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।